उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा थी और थोड़ी सी उपेक्षा भी हो गई उनकी। तो ठीक है, ये तो राजनीति में अब कुछ कह नहीं सकते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा उनको धैर्य रखना, तो उन्होंने धैर्य नहीं रखा, इतनी सी बात है। सम्मान नहीं मिला बीजेपी में ऐसा नहीं बताया, मतलब ऐसा है कि वो अपेक्षा जो कर रहे थे उस अपेक्षा के अनुरूप सम्मान नहीं मिला। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। यदि अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है तो फिर उपेक्षा लगने लगती है, और इसलिए थोड़ी सी तालमेल की कमी थी, थोड़ा सा धैर्य रखते प्रेमचंद गुड्डू जी तो शायद उनका नुकसान नहीं।